जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि जो नेता देश में एक देश एक चुनाव चाहते हैं, वो चार राज्यों का चुनाव एक साथ क्यों नहीं करा सकते। आप पूरे देश में एक देश एक चुनाव का प्रचार करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो खुद की सुविधा देखते हुए लोकसभा में सात चरण डाल देते हैं। कभी हिमाचल और गुजरात का चुनाव अलग अलग कराते हैं। पूरा देश उम्मीद कर रहा था कि हरियाणा महाराष्ट्र का चुनाव साथ होगा, लेकिन उसका चुनाव अलग से कर दिया गया। ये भाजपा की दोहरी नीति दिखाता है। चाहता हूं कि वे नेता जो देश में वन नेशन वन इलेक्शन चाहते हैं, वो चार राज्यों के निर्वाचन एक साथ क्यों नहीं करा सकते। आप पूरे देश में प्रचार करते हो कि हमको एक देश एक निर्वाचन चाहिए, लेकिन जब निर्वाचन आता है तो खुद की सुविधा देखते हुए कभी लोकसभा में सात फेज डाल देते हो, कभी हिमाचल और गुजरात का निर्वाचन अलग अलग समय पर कराते हो। पूरा देश उम्मीद करता था कि हरियाणा महाराष्ट्र के निर्वाचन साथ होंगे, लेकिन महाराष्ट्र पे नजर रखते हुए उसका निर्वाचन अलग से कर दिया। तो यही दिखाता है कि जो दोहरी नीति भाजपा की है, प्रधानमंत्री मोदी जी की है, वो सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ के बारे में सोचते हैं और उनके बातों को आज लोग गंभीर रूप से नहीं लेते।